हम जय श्री राम, हम इधर महन जी के साथ हैं हनुमान गढ़ी का अयोध्या में। महाराज जी, इधर का क्या स्थल पुराण क्या है, इतना लोग आते हैं इधर भारी संख्या में, महिमा क्या है? ऐसा है, ये जो हनुमान जी जहाँ आप देख रहे हैं विराजमान हैं, हाँ जी, ये हनुमान जी महाराज के, वैसे तो इनको लिखा हुआ कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, लेकिन विशेष कर करके इनका महत्व त्रेता में जब भगवान राम ने रावण का वध कर करके यहाँ पर आए हैं, हाँ जी, उस समय में हनुमान जी को साथ लेके आए थे यहाँ, और यहाँ हनुमान जी को अपने साथ 11,000 वर्ष तक राज में रखा है, और उसके बाद में जब भगवान का समय आ गया है साकेत जाने के लिए, तो भगवान सबको कहे हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु साकेत में जाने के बाद वहाँ पर कोई पंडित अबुध नहीं है, कोई अविवेकी नहीं है, वहाँ सब गुणी है, सब चतुर है, सब ज्ञानी है, सब बुद्धिमान है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो अल्प जीव वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, ये जन्म मृत्यु का स्थान है, यहाँ पर जन्म और मृत्यु के डर भय से आपके गुणानुवाद को, आपके चरित्र को, आपके नाम के कीर्तन को, आपके धाम के महत्व को जानते हैं और उसका समय समय से पालन करते हैं, इसलिए आप हमको यहाँ पर रहने दीजिए, जब यहाँ पर ये सब होना बंद हो जाएगा तो हम आपके धाम चले आएंगे। भगवान चले गए और भगवान यही जगह जो है, जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, ये हनुमान टीला था, हनुमान टीले पर ही हनुमान जी थे, यहाँ पर ये हमारी भावना वो मिलती है, हमारे यहाँ शास्त्रों का कहना है कि राम नगरिया राम की बसे सर झुके तीर, अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। हनुमान जी को भगवान राम ने यहाँ तिलक दे करके अयोध्या का राजा बना दिया कि आप अयोध्या में रहिए और यहीं से सब जीव मात्र का कल्याण कीजिए, जबकि राम जी के किले के अर्थात भरत दिए राम कोट के जितना में भरत के दशरथ जी का किला था, उस किले के मेन फाटक पर हनुमान जी महाराज विराजमान है। चालीसा में भी लिखा हुआ है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न अज्ञा बिन पैसारे, या सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहूं को डरना। हनुमान जी महाराज यहीं से बैठ कर करके जीव मात्र का कल्याण करते हैं। अन्यत्र आप हनुमान जी के मूर्तियों का विग्रह देखते हैं तो कहीं सौम्य रूप में, कहीं रौद्र रूप में, कहीं दास भाव में, कहीं भजन भाव में, ऐसे भगवान की मूर्ति मिलती है हनुमान जी की, लेकिन यहाँ पर साक्षात हनुमान जी जो है राजगद्दी पर बैठे हुए महाराज राजा बन करके बैठे हुए और सभी का यहाँ से कल्याण करते हैं। विशेष करके ये जो हनुमान गढ़ी है, गढ़ी का मतलब किला, ये किला जो है नवाबी पीरियड में सिराजू दौला का बनवाया हुआ है। किंवदंती है कि जिसको न दे औला उसको दे सिराजू दौला। यहाँ पर हनुमान जी की सेवा करते हुए एक महात्मा थे जिनका नाम था बाबा अभय रामदास जी महाराज, उन्हीं के कृपा से उस सिराजू दौला का एक पुत्र था जिसको कुष्ठ का रोग हो गया था, उसको इन्होंने दुआ दे दिया, भभूति दे दिया हनुमान जी के नाम से, और वो लड़का ठीक हो गया। वो आया और आने के बाद यहाँ पर कहा महाराज हम इस समय बादशाह हैं, हमारे पास धन बहुत है, आप यहाँ पर रुके, यहाँ का धन कुछ बनवावें, यहाँ कुछ हमसे लें। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। लेकिन उनका जो मंत्री था उसने बाबा को समझाया कि बाबा आप भी त्राग हो, बैरागी हो, आपको त्यागी हो, आपको नहीं चाहिए, लेकिन हनुमान जी के माध्यम से यहाँ पर जो लोग आते जाते रहेंगे या जो उनके सन्निकट रहेंगे उनके लिए कुछ आप बनवा लीजिए। तब उनके कहने पर ये हनुमान जी का किला बना। पहले ये किला बना, इस किले की नींव जो है कुएं के नींव से नींव है, चारों तरफ इसमें कुएं हैं और उसके नींव से किले की नींव है,
वर्तमान में एक कुआं है जिसके जल से अभी भी भगवान का भोग लगता है, सफाई होती है सब कुछ। और यहाँ का जो पूजा हो नित्य सरजू जल आता है, गौ का ताजा दूध से अभिषेक होता है दोनों टाइम। और हनुमान जी की यहाँ का भावना जो है कि इनको मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे उसका सभी मनोरथ पूर्ण हो जाता है। अभी तो अभी मान लीजिए तो बहुत पुरानी बात है, अभी आप वर्तमान में देखिए, मैं भी यहाँ पर 62 से हूँ, मेरा जन्म जो है इस समय 77 वर्ष का है। मैंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से आज तक देखा है प्रधानमंत्री मोदी तक, लेकिन कोई माई का लाल ऐसा नहीं भया मोदी को छोड़ करके जो कि राम जन्मभूमि का या अयोध्या का विकास कर सके, या राम जन्मभूमि में भगवान का किसी प्रकार का नाम तक नहीं चलाया। लेकिन मात्र एक कृपा हो गई हनुमान जी की मोदी के ऊपर कि उसने कहा नहीं और आ करके कर दिया, करके दिखा दिया, आओ आज भी वर्तमान में हो रहा है। वो विशेष कृपा किसकी थी? इन्हीं हनुमान जी की थी। मोदी जी ने आया यहाँ पर हेलीकॉप्टर से, उतरा सरजू, स्नान किया, स्नान कर करके यहाँ आकर हनुमान जी का सेवा पूजा किया। और उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि उनको साफा बांध करके मुकुट बांधते हुए हमारे राम थे यहाँ से आदेश दिया कि नहीं आप जाइए हनुमान जी भगवान का कार्य कीजिए, और जा करके उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया। जबकि उससे पहले राम मंदिर के बारे में लोगों का क्या क्या भ्रम था, क्या क्या लोग कहते थे, क्या क्या नहीं उस पर मैंने विडंबना बात करते थे, लेकिन ऐसी हनुमान जी की कृपा हो गई कि मोदी सरकार जा कर करके वहां पर शिलान्यास किया। और वो शिलान्यास जो है अपने तीव्र गति से चलता चलता चला जा रहा है और भव्य मंदिर का खूब स्वरूप बन रहा है जो आज वर्तमान में सबके सामने दृष्टिगोचर है। बिल्कुल, तो ये हनुमान जी की यहाँ महत्व तो बहुत ज्यादा है, कहाँ तक कहा जाए। और यहाँ हमेशा तो लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है, और जब से शिलान्यास हो गया है तब से तो यहाँ पर पूछना ही क्या है, राम राज्य है समझिए, सब कोई आते हैं, हर प्रांत के आते हैं, हर देश के आते हैं, सबका पूर्ण मनोरथ करते हैं। बिल्कुल, दो सवाल है आपसे इसके अलावा, मतलब इधर जो प्राचीन जगह है ये विकास के समय वो भी विकास होंगे, जैसा हनुमान गढ़ी है, ये यहाँ का जो दशरथ महल है, रंग महल है, वैसा ये सब जो है यहाँ पर यही यही से आप जब उतरिएगा या बाएं घूमिएगा तो सबसे पहले दशरथ महल मिलेगा, उसके बाद में कनक भवन मिलेगा, वेद मंदिर मिलेगा, लौकुश मंदिर मिलेगा, रंग महल मिलेगा, आनंद महल मिलेगा, कासुदी महल, मैंने तमाम कैकेयी महल, कौशल्या, सुमित्रा महल सब मिलेगा आपको देखने के लिए। नहीं, सबकी भव्यता जो है जब से मोदी जी ने यहाँ शिलान्यास कराया तब से उन्हीं के प्रयक्ष में यहाँ का जो योगी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो उन्होंने अयोध्या का सतत प्रयास कर रहा है, मैंने वर्तमान में हो रहा है कि अयोध्या को एक विश्व के पटल पर ऐसा रखा जाए, ऐसा बनाया जाए कि यहाँ पर जो भी आवे वो बोले कि हाँ अयोध्या अयोध्या है, ये राम जी की पूरी है। ऐसा करने के लिए हमारा भारत सरकार भी और उत्तर प्रदेश की सरकार भी तन मन धन से सब लगी हुई है और इसका सतत विकास कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।